हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो ट्वेल्थ केमिस्ट्री का चैप्टर है वो एनसीईआरटी से पढ़ाने वाली हूँ। ठीक, पेज नंबर 68, टॉपिक मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जैसे हम एग्ज़ाम में हमें एक क्राइटेरिया दिया जाता है, फिर बोल सकते हैं कि रेफरेंस दिया जाता है कि 33 मार्क्स तो आपको कम से कम लाने ही होंगे, मिनिमम लाने होंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो अगर 33 मार्क्स का से ऊपर के मार्क्स हैं, 33 मार्क्स का आप पास हो, अदरवाइज़ अगर नीचे हैं तो आप फेल हो। इसी तरीके से रेफरेंस जो है अपने पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए यूज़ किया जाता है कि हमें एक रेफरेंस सेट कर दिया है। ठीक है, और उस रेफरेंस से अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू आती है, फिर बोल सकते हैं नॉर्मली बड़ी वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये जो रेफरेंस लाइन हमने जिसको सिलेक्ट किया था वो एलिमेंट के द्वारा जो ऊपर वाली यानी कि पॉजिटिव वाली मतलब पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगा वो इस एलिमेंट के द्वारा रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि जो रेफरेंस लाइन होगी वो ऊपर वाली यानी जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी उस वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले को जो है रिड्यूस कर देगी और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो रेफरेंस लाइन वाला उस वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होना पसंद करेगा। ठीक है, अब ये जो रेफरेंस लाइन थी इसमें इसको हमने हाइड्रोजन माना है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, इसको हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के तौर पर रखा हुआ है, जिसकी वैल्यू हमने जीरो मान ली है। ठीक है, अब बाकी के जो पॉजिटिव वैल्यू आती है वो उनको जो है हाइड्रोजन जो है उनको रिड्यूस कर सकता है, और अगर उससे कम यानी कि नेगेटिव वैल्यूज आती है उनके द्वारा हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा खुद। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, इसके बाद जो बात आती है तो दो हाफ सेल की रिएक्शंस लिखते हैं, एक एनोडिक और एक कैथोडिक। तो अगर रिएक्शन में हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हाइड्रोजन के अलावा जो स्पीशीज़ है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली है, तभी हम जो है हाफ सेल की रिएक्शंस जो हैं दोनों कैथोडिक और एनोडिक लिख पाएंगे। क्योंकि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव वाली वैल्यू जो है वो खुद रिड्यूस होगी, और वो रिड्यूस होगी तो यानी कि वो कैथोड पर जाएगी, और अपना जो हाइड्रोजन वाला जो पूरी रिएक्शन होती है ना, हाइड्रोजन वाली रिएक्शन जो होगी वो अपने पास ऑक्सीडेशन के अंदर जाएगी फिर उस कंडीशन के अंदर। तो अगर हाइड्रोजन वाली रिएक्शन जो होगी वो ऑक्सीडेशन के अंदर जाएगी तो उस वाले केस के अंदर अपने पास जो रिएक्शन बन रही होगी कुछ इस प्रकार बन रही होगी कि H2 गिव्स अस 2H पॉजिटिव आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बनेगी वो एनोडिक रिएक्शन बनेगी वाली। लेकिन अगर उल्टा काम होता है, यानी कि अगर मान लो जो मेरे पास हाइड्रोजन के साथ में जो स्पीशीज यूज़ करी गई है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैरी करती है, तो जो ये जो हाइड्रोजन वाली रिएक्शन होगी वो उल्टी करके हम कैथोड पर चुपकाएंगे इस बार। ठीक है, और वो रिएक्शन किस तरीके से होगी, 2H पॉजिटिव आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस H2। ठीक है, ये होगी रिएक्शन, और जो उसकी होगी वो अपन हमें देखनी पड़ेगी अपने हिसाब से। ठीक है, क्यों किस में से किस में जा रहा है। ठीक है, जैसे कि CU पॉजिटिव से CO2 पॉजिटिव में जा रहा है, या फिर CU सॉलिड वाली स्टेट से CO2 पॉजिटिव एक्वस में जा रहा है, तो वो हमें देखना पड़ेगा खुद से। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास एक चीज़ आती है कि जैसे हाइड्रोजन होता है तो हमारे पास ना कई बार ठीक है, हमें इनर्ट इलेक्ट्रोड दी जाती है। उस इनर्ट इलेक्ट्रोड में से जो ये हाइड्रोजन होती है, फिर कई कई बार जो फ्यूल सेल्स में होता है ना, तो उसमें से ऑक्सीजन जो हो जाती है, फिर बोल सकते हैं कि जो भी गैसेस होती हैं वो बबल की जाती हैं। ठीक है, उनके और जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं अपने पास, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी हो, मैंने पहले भी बोला था शायद से कि चाहे वो कोई सी मतलब कैसी भी, चाहे वो इनर्ट इलेक्ट्रोड हो या ना हो, चाहे वो खुद भी रिएक्टिव हो, जैसे जिंक की हमने पढ़ी थी गैल्वेनिक सेल के अंदर। ठीक है, तो वो कैसी भी इलेक्ट्रोड हो वो हमेशा जो होता है वो सरफेस प्रोवाइड करती है, और अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है तो वो रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करती। लेकिन जो ये वाली होती है, जैसे गैल्वेनिक सेल के अंदर जिंक की थी और कॉपर की थी, वो हमेशा रिएक्शन होती है उसमें पार्टिसिपेट करती है। लेकिन इनर्ट इलेक्ट्रोड सिर्फ और सिर्फ जो होता है सरफेस प्रोवाइड करने का काम करती है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिएक्शन में जा सकें और रिएक्शन से लिए जा सकें। ठीक है, और मतलब पूरा सर्किट कंप्लीट रहे, इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। उसके बाद पहले हमने जो ई नॉट सेल की रिएक्शन मतलब ई नॉट सेल का रिलेशन निकाला था कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ में, तो वो क्या था कि ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट, मतलब ये ई नॉट की जो वैल्यू होगी वो रिडक्शन पोटेंशियल में से आती है। ठीक है, ई नॉट ऑफ द कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ द एनोड, और फिर बोल सकते हैं राइट माइनस लेफ्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एनोड जैसे हमें मैंने पहले बोला कि एनोड जो होता है हमेशा लेफ्ट पे होता है प्लेस। ठीक है, ये चीज़ होती है, हम चाहे सेल रिप्रेजेंटेशन में देखें और चाहे वो जब हम डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर उसमें भी देखेंगे, तो हमें हमेशा जो होगा एनोड हमेशा लेफ्ट पे मिलता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ होती है, तो ये भी एक तरीके का लिखा हुआ था एनसीईआरटी के अंदर। फिर उसके बाद क्या बोला जाता है कि एक और बहुत देखने वाली चीज़ है, तो जो थोड़ा बहुत कभी ना कभी हमें न्यूमेरिकल में हेल्प देगी। ठीक है, तो जैसे अगर कोई भी ई नॉट हो, ठीक है, मतलब अगर मुझे बोला जाता है कि जैसे कभी कभी ना अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए
हमें बोल देता था कि ये रिडक्शन पोटेंशियल ना होकर के ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो कभी कभी जो होती है ना, वैसे तो वर्ड थोड़ा टाइम कंज्यूम करके समझ सकते हैं, लेकिन जब हमें थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं कि ई नॉट की मतलब चाहे वो ऑक्सीडेशन चाहे वो रिडक्शन हो, अपने अपने हिसाब से देखेंगे जब जैसे जैसे दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, अगर चाहे वो रिडक्शन का हो चाहे वो ऑक्सीडेशन का हो, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या फिर मतलब पॉजिटिव ना बोल के अगर कंपैरेटिवली मतलब मान लो नेगेटिव में दी हुई दो वैल्यू, फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, तो मैं सिंपल से ये बात बोलूँगी कि जिसकी वैल्यू बड़ी होगी ज़्यादा ठीक है, वो ज़्यादा बेटर वो काम कर सकता है। मान लो जैसे मैंने बोला कि लो रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, और मैंने दो एक एक्स स्पीशीज़ ले ली और एक वाई स्पीशीज़ ले ली ठीक है, तो जो एक्स स्पीशीज़ थी एज एन एग्जांपल मैंने उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल लिया वो 0.56 लिया एज एन एग्जांपल, कोई भी ऐसा कुछ डेटा नहीं है ठीक है, एक्स वाले का 0.56 था और जो बी वाला था वो मैंने उसका सॉरी एक्स वाई वाला जो था उसकी जगह मैंने मतलब उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल माना वो मैंने मान लिया 0.93 ठीक है, तो इन दोनों में से कंपैरेटिवली जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी ठीक है, वैल्यू किसकी ज़्यादा आ रही है कि रिडक्शन पोटेंशियल के लिए देख रही हूँ किसकी ज़्यादा वैल्यू बढ़ी आ रही है, वाई वाले की 0.93 समथिंग कुछ मैंने शायद से बोला था ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है यानी कि ये जो वाई वाला है वो रिड्यूस होगा क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ी आ रही है, वो रिड्यूस हो जाएगा और एक्स वाला जो है वो मेरे पास ऑक्सीडाइज हो जाएगा खुद। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लो मैंने लिया अलग अलग स्पीशीज़ और ली दोबारा ठीक है ए और बी, और इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रही हूँ, मान लो इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो 0.23 आ रही है ए वाले की, और बी वाले की मेरे पास 0.32 आ रही है, तो इनमें से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ज़्यादा बड़ी हुई, वाई वाले की सॉरी हाँ वाई बोला था आई थिंक सो बी बोला था, बी वाले की ज़्यादा बड़ी होगी तो बी वाला जो हो जाएगा मेरे पास इस हिसाब से जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और जो ए वाला है वो रिड्यूस होगा। तो इस तरीके से हम ये एक सिंपल लाइन से कि जिसका ई नॉट की चाहे वो रिडक्शन हो चाहे वो ऑक्सीडेशन अपने हिसाब से पूछा जाएगा, वैसे जिसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी वो काम अच्छे से करता है, बस इतना ध्यान रखते हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं इसे, अदरवाइज दिमाग थोड़ा लगाना पड़ जाता है, थोड़ा हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है पूरा, लेकिन इसे थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद और तो कोई ट्रिक नहीं है, ये बस सही बात है जिसको हम शायद एक लाइन में बोल दें तो ज़्यादा अच्छे से समझ मतलब आप दिमाग में रख सकते हो ठीक है, ये चीज़ होती है। अच्छा एक बार एनसीईआरटी में ये चीज़ और लिखी हुई है कि दो रिएक्शंस ये रखे हैं जिसमें हमने ये पेज नंबर 69 पे लिखी हुई है रिएक्शंस, जब ये ई नॉट आर माइनस ई नॉट लेफ्ट के बारे में लिखा हुआ है ना उसकी जस्ट थोड़ा सा नीचे लिख रखी है ये इक्वेशंस लिख रखी है, इक्वेशन नहीं बोल सकते मैं बोलूँगी सेल रिप्रेजेंटेशन लिख रखी है, जिसमें यहाँ पे मैं पूरा बोल के बता देती हूँ, प्लैटिनम इन द सॉलिड स्टेट, फिर फेस चेंज दिखाया हुआ है ठीक है, एच टू फ्रॉम द गैस 1 bar का प्रेशर दे रखा है, फिर फेस चेंज हुआ उसका एच पॉजिटिव आइंस के अंदर, और ये पूरी जो हो जाएगी इस वाली कंडीशन के अंदर क्योंकि ये लेफ्ट में दे रखी है, तो लेफ्ट में हमारे पास एनोडिक आती है और फिर अपने पास राइट में जाती है वो कैथोडिक आती है, तो CO2 पॉजिटिव इन द एक्वस कंडीशन 1 molar कंसंट्रेशन के अंदर वो CO में जाएगा, तो ये वाली हो जाएगी कैथोडिक रिएक्शंस। उसके बाद जब अगर बात करते हैं तो यह प्लैटिनम सॉलिड जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गैस कहाँ पे है, यहाँ पे एनोडिक साइड में है, तो इस वजह से जो ये प्लैटिनम वाला जो सॉलिड सरफेस है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ एनोड में देखने को मिलेगा, और वहीं पे ये जो इलेक्ट्रोड होगी वो इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ एनोडिक साइड होगी, और जो कैथोडिक साइड होगी ना वहाँ पे मेरे पास कॉपर की मुझे प्रॉपर मिलेगी जैसे मुझे गैल्वेनिक सेल में मिल रही थी, तो ये वाली चीज़ समझ में आ जाएगी कि प्लैटिनम जो होता है प्लैटिनम हो एक गोल्ड भी ले सकते हैं ये दोनों, और एक कभी कभी ग्रेफाइट भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है, तो ये वाली जो होती है ये स्पेसिफिक अपने पास इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होती है जो कि कहीं भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, नीचे लिखा भी हुआ पेज नंबर 69 पे, यहाँ पे नीचे थोड़े पैराग्राफ लिखा छोटा सा लिखा हुआ है समटाइम्स मेटल्स, इसमें यही लिखा हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को पास ऑन करने के लिए होते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे मतलब पूरे सिस्टम नहीं बोल सकते पूरा मतलब पूरा जो सर्किट चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और पूरा जो सर्किट है वो कंप्लीटेड रहे ठीक है, ये चीज़ होती है। और उसके बाद मैं बोल सकती हूँ फिर यहाँ पे जो ये दोनों की अलग अलग हाफ सेल रिएक्शंस लिख रखी हैं, कैथोडिक वाली कॉपर के साथ में आ गई और एनोडिक वाली ये दोनों लिख रखी हैं। अच्छा ये नीचे वाला पैराग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अच्छा भी है काफ़ी, इसमें ना अपने पास HCl का और HNO3 का कंपैरिजन कराया हुआ है, देखो कैसे कराया हुआ है, ये बोला गया है कि अगर मैंने HCl के साथ में मैंने कॉपर मतलब हाँ कॉपर आयंस रखे CO2 पॉजिटिव आयंस रखे, कॉपर आयंस नहीं बोल सकते वैसे बट लेकिन चलो ठीक है चला लेते हैं ठीक है, ये CO2 पॉजिटिव आयंस ले रखे हैं ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, पॉजिटिव आयंस जो रिलीज हो, देखो मैं बताती हूँ
में सिर्फ और सिर्फ क्यूप्रा साइंस के बारे में लिखा होता कि क्यूप्रा साइंस ले रखे हैं सोल्यूशन के अंदर और एच पॉजिटिव आइंस ले रखे हैं। सीएल नेगेटिव के बारे में नहीं लिखा हुआ है, और लेकिन सीएल अगर सीएल नेगेटिव को लेना ही नहीं चाहिए सीन में, क्योंकि सीएल नेगेटिव तो बिल्कुल ही अलग चला जाता है, वो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम कंपैरिजन करेंगे ना एचसीएल के अंदर, तो अपन हमें सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन भी करना पड़ेगा एच पॉजिटिव का और सी ओ टू पॉजिटिव का, ठीक है। और वो मतलब सीएल का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन दूसरा वाला केस है उसमें नाइट्रेट का हम कंपैरिजन लेंगे, बिकॉज उसकी जो वैल्यूज आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की काफ़ी हद तक वो पास आती है। जैसे एज एन एग्जांपल मैं अगर बात करूँ, तो मान लो अगर मैं बात करूँ कि एज एन एग्जांपल, ठीक है, अगर कि ये जो क्यूपर साइंस है, मान लो उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है मेरे पास, वो मेरे पास 10 आ रहा है एज एन एग्जांपल, तो दूसरे वाले का जो मतलब एच पॉजिटिव आयंस है एज एन एग्जांपल, वो काफ़ी हद तक पास में आ रहा है। जैसे कि मान लो 9.3 आ रहा है उसका, ठीक है। और अगर मैं सीएल नेगेटिव के बारे में बात करूँगी, तो वो बिल्कुल ही अलग, मतलब मान लो 100 आ रहा है, तो बिल्कुल कंपैरिजन ही नहीं ना। एज एन एग्जांपल बताया था मैंने जस्ट वो, तो बिल्कुल उसका कुछ कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल अलग ही चल रही है वो दुनिया, ठीक है। और वो जो सीएल नेगेटिव आयंस होते हैं वो अपने पास वहाँ पे अलग ही चले जाते हैं, और सीएल नेगेटिव आयंस में से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, समथिंग इस तरीके से चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। और मतलब सीएल टू फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो वो बात अलग ही बिल्कुल कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो अपने पास जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आता है क्यूप्रा साइंस का और एच पॉजिटिव आयंस का, क्यूप्रा साइंस का जो मेरे पास मतलब रिडक्शन पोटेंशियल बात कर रही हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो काफ़ी हद तक बड़ा वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू एच पॉजिटिव आयंस। तो इस वजह से जो मैंने क्या बताया कि जिसकी वैल्यू बड़ी होगी रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, मतलब उसके पर्टिकुलर के लिए ही रिडक्शन पोटेंशियल के लिए जो क्यूप्रा साइंस थी उनकी वैल्यू थोड़ी जो थी रिडक्शन पोटेंशियल के लिए वो ज़्यादा थी, तो यानी कि ये रिड्यूस हो जाएगा सी ओ टू पॉजिटिव से सी ओ बन जाएगा, तभी वो नीचे जाके डिपॉजिट होने लगता है। और एच पॉजिटिव आयंस होते हैं वो अपने आप नॉर्मली सोल्यूशन के अंदर घूमते रहते हैं, बहते रहते हैं, ठीक है। इस वजह से एनसीईआरटी में लाइन में लिखी हुई है कि कॉपर जो होता है वो कभी भी एचसीएल सॉल्यूशन के अंदर घुलता नहीं है, एचसीएल सॉल्यूशन के अंदर कभी घुलता नहीं है, ठीक है। ये वाली बात होती है। उसके बाद फिर मैं बोल सकती हूँ, बात आती है अब इन सब चीज़ों के बाद नाइट्रेट आयंस की, फिर बोल सकते हैं मतलब नाइट्रिक एसिड की, ठीक है। नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है HNO3, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन जब हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि हाँ बेशक जो है अपने पास ये जो चीज़ें हैं क्या बोलते हैं सी यू टू पॉजिटिव आयंस यानी कि क्यूप्रा साइंस और एच पॉजिटिव आयंस में जब कंपैरिजन कराएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल सी यू टू पॉजिटिव आयंस का ज़्यादा होगा, तो रिडक्शन इसका होना चाहिए, यानी कि सी यू टू पॉजिटिव से निकल के सी यू में जाना चाहिए। लेकिन उसके आगे आता है थोड़ा सा NO3 नेगेटिव आयंस होते हैं वो और ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं बोल सकते या फिर बोल सकते हैं और ज़्यादा बड़ी वैल्यू के साथ में रिडक्शन पोटेंशियल कैरी करते हैं, ठीक है। तो उस वजह से जो अपने पास CO2 पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इस वाली कंडीशन के अंदर वो CO2 पॉजिटिव आयंस में ही रहते हैं, अपने आप को रिड्यूस नहीं करते हैं नाइट्रिक एसिड के अंदर, इस वजह से बोल सकते हैं। इस वजह से अगर मैं कंपेयर मतलब एक तरीके के इस कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा अगर किसी मतलब कभी भी कि HCl और HNO3 में HNO3 को अगर मुझे कॉपर के बीकर में स्टोर करना है तो कौन सा अच्छे से स्टोर हो सकता है, तो मैं HCl का नाम लूँगी, बिकॉज वो HCl जो होता है वो कॉपर को मतलब CO2 पॉजिटिव आयंस अगर होते भी हैं तो उसको कॉपर में कन्वर्ट करने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो ये वाली है HNO3 उसमें NO3 नेगेटिव आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इस वजह से वो कॉपर आयंस को भी लेकर के उल्टी रिएक्शन भगा के CO2 पॉजिटिव कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको मतलब जो मतलब बोलेंगे अच्छी भाषा में, जैसे हम 10th में लिखते थे ना क्वेश्चन, उसमें उसके आंसर्स हम लिखेंगे कि वो ईटन अप हो जाएगा, ठीक है, HNO3 द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी हुई थी और कुछ नहीं लिखा था, और बाकी नीचे डैनियल सेल की रिएक्शन से रखी हैं और बात वही लिख रखी है थोड़े बहुत घुमा फिरा के, ठीक है। नाउ पेज नंबर 70 आगे वाला जो पैराग्राफ है ये इसका बता रही हूँ, जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम, ये वाला पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया उसको ही कहीं ना कहीं घुमा फिरा के नई चीज़ की तरह फिर मतलब कैसे भी वही बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिरा के बता रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, एक तो पहले दो तीन लाइन जो है ऊपर की वो फालतू की है, जो यहाँ तक लिखा है ना चार लाइन जो स्टार्टिंग है टेबल 3.1 उसके बाद से एक्जैक्टली जो मेन और अच्छी लाइन्स आती हैं वो आना शुरू होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें इन लाइन्स पे ये लिखा हुआ है कि जैसे मैंने बोला था कि अगर एक रेफरेंस लाइन की ऊपर वाली बात जो मैंने बोली थी कि अगर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो वो जो है पॉजिटिव वैल्यू वो जो है वो रिड्यूस हो जाएगी हाइड्रोजन द्वारा या फिर रेफरेंस लाइन द्वारा, और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो जो मतलब नेगेटिव में वैल्यूज आ रही है मतलब या फिर जो स्पीशीज है नेगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल के साथ में वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी रेफरेंस लाइन या फिर हाइड्रोजन द्वारा। तो वही सेम लाइन या फिर बोल सकते हैं घुमा फिरा के लाइन ऐसे लिख रखी है, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पे बात आती है कि फ्लोरीन कैसे आया, ठीक है। फ्लोरीन यहाँ पे ऐसे आया कि जो पेज नंबर 71 पे जो बड़ी सी टेबल दे रखी है ना, ये
इसके साथ में आया। ठीक है, देखो कैसे मैं बता देती हूँ। पहले थोड़ा सा चीज़, पहले मैंने जो बात बोली थी वही बात लिखी हुई है कि अगर जीरो से पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वो हाइड्रोजन जो हो जाएगा वो, क्योंकि हाइड्रोजन का हमने जो रेफरेंस लाइन रखी है हाइड्रोजन के लिए रखी है और वो जीरो होता है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल उसका हमने मान लिया है। ठीक है, और उससे जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको हाइड्रोजन जो हो जाएगा वो अच्छे से रिड्यूस कर सकता है, और जितनी उसकी नेगेटिव वैल्यू आएंगी अगर रिडक्शन पोटेंशियल की, तो रिडक्शन पोटेंशियल की मैं हिसाब से बोल रही हूँ। ठीक है, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल उसकी जो वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आती है किसी भी स्पीशीज़ की, तो हाइड्रोजन उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूँगी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा ही हमेशा सेम वैल्यू, मतलब सेम, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना मैग्नीट्यूड सेम होगा फिजिक्स के अंदर, वैसी सेम चीज़ आ जाएगी कि उसकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी लेकिन नेगेटिव के साइन के साथ में आती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो मैं बोल सकती हूँ कि हाइड्रोजन, या अभी तक मैंने पहले बात बोली थी ये रिडक्शन पोटेंशियल के लिए थी, अब जो बात बोलूँगी वो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए है। ठीक है, सॉरी, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए, पहले वाली रिडक्शन पोटेंशियल के लिए थी। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या हो जाएगा कि अगर जो मैंने रेफरेंस लाइन ली हाइड्रोजन की, अगर उससे वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर उससे वैल्यू नेगेटिव आती है तो जो हाइड्रोजन होगा या फिर रेफरेंस लाइन जो होगी वो नेगेटिव वैल्यू वाले को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो उसको, या फिर बड़ी वैल्यू आती है तो, मतलब पॉजिटिव बोलना चाहिए वैसे तो, पॉजिटिव वैल्यू आती है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, ये बात जो है वो बोल दी मैंने। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए थी। अच्छा, अब उसकी बात क्या बात आती है, बात ही आती है फ्लोरीन की, बात कैसे आई। ठीक है, पहले बात तो यहाँ पे जो पेज नंबर 71 पे जो रिएक्शन लिख रखी है वो ऐसे, पहले ये जो पूरा टेबल बना रखी है वो उस तरीके से बना रखी है कि ऊपर में जो वैल्यूज़ हैं, जो ऊपर जैसे फ्लोरीन की दे रखी है, कोबल्ट की दे रखी है, ये सारी जो रिएक्शन दे रखी है ये पॉजिटिव की तरफ, मतलब इनका जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल जा रही है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और मैंने पहले बोला था कि पॉजिटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल का मतलब होता है कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होना। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल का मतलब होता है डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होना। अच्छा, वो कैसे होता है मैं बताती हूँ कि, अच्छा बस वो रिएक्शन मैंने बताई नहीं अभी, वो आगे आके एक रिएक्शन होती है जिसमें बोलते हैं ई नॉट सेल मल्टीप्लाइड विद एन एफ माइनस में होती है, पूरा ये पूरा जो टर्म बनेगा वो नेगेटिव में होता है, इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट। या फिर दोबारा बोलूँ तो मतलब एक तरीके अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, तो ये बोलूँगी कि माइनस एन एफ ई, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, या फिर नंबर मतलब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और एफ फैराडेज़ कॉन्स्टेंट, और ई नॉट सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू, यानी कि ई नॉट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना। तो इस वजह से जो ऊपर वाली रिएक्शन होंगी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल के साथ साथ में नेगेटिव डेल्टा जी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है, वो जो रिएक्शन होंगी वो स्पॉन्टेनियस होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, तो मतलब हमें पता ही है कि जो खुद ब खुद होती हैं, और मतलब इस तरीके इसी डायरेक्शन में फेवरेबल होंगी, और उल्टी डायरेक्शन में आने का मतलब, यानी कि नीचे आने की मतलब, यानी कि जो लिथियम है, लिथियम पोटेशियम कैल्शियम उल्टे बताई हूँ। ठीक है, तो लिथियम वाली का मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव वही है, तो नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वही होगी। ठीक है, और इसके पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं भागेगी, रिएक्शन जो है वो लिथियम से, मतलब लिथियम पॉजिटिव से लिथियम नहीं बनवाएगी, लिथियम से लिथियम पॉजिटिव बनवाएगी, यानी कि इस डायरेक्शन में फेवरेबल नहीं होगी। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में फेवरेबल होगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे ऊपर लिखी हुई थी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैंने में लिखा हुआ है कि रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन, और क्या पता नहीं अलग अलग लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब चीज़ों पर लिखा हुआ है। मैं बता देती हूँ सिंपल बात, अगर F2 है, अगर ये मतलब मैं बोलूँ, अगर F2 में दो इलेक्ट्रॉन ठूसे जा रहे हैं और उसमें से 2F नेगेटिव आयंस बन रहे हैं, ठीक है, तो इसके बाद में हम ये समझ सकते हैं, और अगर ये बोल रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आ रही है, यानी कि सीधी सीधी रिएक्शन जाएगी, उल्टी रिएक्शन जाना फेवरेबल नहीं है। ठीक है, यानी कि सीधी सीधी रिएक्शन जाएगी, और अगर सीधी सीधी रिएक्शन जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन ठूसने पड़ेंगे, और हम बोल रहे हैं कि रिएक्शन अच्छी है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन ठूसने पड़ रहे हैं और हम बोल रहे हैं ये रिएक्शन अच्छी है, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो F2 जो जाएगा इस वाली कंडीशन के अंदर, ये बहुत ही अच्छा F2 जो रहेगा वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, और F नेगेटिव जो होगा वो बहुत ही बेकार रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बिकॉज रिएक्शन तो उल्टी जा ही नहीं सकती ना। दोबारा बताती हूँ, देखो ध्यान से सुनो, रिएक्शन जो है वो हमारे पास सीधी जानी है। पहले F2 की बारे में बात करेंगे, F2 की रिएक्शन जो है वो एकदम सीधी सीधी जाएगी। ठीक है, सीधी जाने का मतलब क्या होता है, सीधी जाने का मतलब ये होता है कि वो रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, यानी कि फेवरेबल इसी डायरेक्शन में। उसके बाद इसके अंदर अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन ठूस रही हूँ और इसमें मैं बोल रही हूँ कि रिएक्शन ऐसे ही होनी चाहिए, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि F2 उसको बोल रहा है कि मेरे अंदर दो इलेक्ट्रॉन डाल भाई। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन डाल मेरे अंदर डाल, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम
कह रहे हैं कि ये जो है वो खुद रिड्यूस होना चाहता है, टू एफ नेगेटिव आयंस बनना चाहता है और सामने वाले के दो इलेक्ट्रॉन आयंस लेना चाहता है, और दो इलेक्ट्रॉन्स आयन मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से अगर आयंस बोलिएगा सॉरी दो इलेक्ट्रॉन्स अगर वहाँ से ले रहा है तो मैं बोल सकती हूँ कि वो सामने वाले जो स्पीशीज हो जाएगी वो ऑक्सीडाइज मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो यानी कि इस वजह से जो एफ टू नेगेटिव मतलब सॉरी एफ टू होती है यानी कि फ्लोरीन गैस जो होती है वो बहुत ही बेस्ट मतलब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, ठीक है। और लेकिन ये जो टू एफ नेगेटिव आयंस है अगर मैं बोलूँ ये रिएक्शन उल्टी जो भागेगी, टू एफ नेगेटिव आयंस में से दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और एफ टू बनेगी, तो ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, यानी कि रिएक्शन ये नहीं हो सकती है, यानी कि इसमें से फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल सकते हैं या फिर वो पॉसिबल नहीं है या फिर फीसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो जाएगी वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इस वजह से मैं एफ नेगेटिव आयंस को क्या बोलूँगी, वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, ठीक है। और जब मैं लिथियम के बारे में बात करती हूँ, ये यहाँ पे लिथियम के लिए भी लिखा हुआ है, तो लिथियम के लिए क्या बोला है कि ये जो मैंने पहले बोला कि लिथियम की जो रिएक्शन होगी वो आगे की डायरेक्शन में फेवरेबल नहीं है, और फेवरेबल क्यों नहीं है, बिकॉज इसका जो इनोड की वैल्यू वो नेगेटिव है, और इनोड की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब होता है डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो जो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को नहीं शो करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को शो करता है, ठीक है। तो लिथियम में मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन डाला, ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है वो फीसिबल नहीं है, यानी कि रिएक्शन जो होगी वो उल्टी भागेगी, ठीक है। रिएक्शन जो होगी वो उल्टी भागेगी, यानी कि लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और लिथियम पॉजिटिव आयंस बनेगा। और जैसे भी हमने एस ब्लॉक में पढ़ा था वो हमने यही पढ़ा था कि जो अपने पास ग्रुप नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन्स होते मतलब जो सॉरी एलिमेंट्स होते हैं वो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स लीव करना चाहते हैं, बहुत अच्छी रिड्यूसिंग सॉरी सामने वाले को रिड्यूस करने की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है, अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ दिखा रही है, रिएक्शन में ये चीज़ दिखा रही है, और एक्सप्लेनेशन भी हमको मिलेगा कि बिकॉज उसकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू इस तरीके की होती है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो इस वजह से ये जो रिएक्शन होगी लिथियम से लिथियम पॉजिटिव आयंस और एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगा, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि लिथियम जो होता है वो बहुत ही अच्छा जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और लिथियम पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो बहुत ही बकवास रिड्यूसिंग सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है। ये पूरा यहाँ तक का टॉपिक मैंने कवर कर लिया, और इसमें जो बाकी यही सब चीज़ें लिखी हुई थी, हाँ यही चीज़ लिखी हुई थी और कुछ नहीं था, और हाँ यही था। उसके बाद फिर ये लिखा हुआ है कि हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल से बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, पीएच निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का, हम मतलब केएच की वैल्यू निकाल सकते हैं, केएच तो पता ही होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज निकालते हैं, मतलब जैसे डेल्टा जी नेगेटिव की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये तो इतना टॉपिक मैंने कवर कर दिया।